हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंटिफैक्ट्स में, जहाँ पे आपको साइंस का बेसिक नॉलेज दिया जाता है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसकी आपने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी और थ्योरी पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वो पूरी पूरी प्रैक्टिकल होगी। आपको मैं बिल्कुल सामने करके दिखाऊंगा कि जो कोई फ्लावर होता है उसकी बाह्य जो संरचना होती है, उसकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ कुछ फ्लावर्स जिनकी हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पीछे इसकी पत्तियाँ हैं, ये मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसकी जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले इसका ये कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? दल, जो कि रंगीन होता है, जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जो कि परागण में सहायक होते हैं। इसको हटा देते हैं। ये इसके दल है, ये सारे बारीक की तरफ वाले जिनको हम हटा देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे, इसको मैं और पास ला के दिखाता हूँ आपको। ये यार फोकस में नहीं आ रहे। हाँ, ये जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये हैं पराग कोष। क्या है? पराग कोष। इनमें से एक को लेके दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो आप इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं इसके पराग कोष। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पराग कोष है, और ये इसके नीचे जो इसके नलिका का संरचना है, जिसको पूतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूतंतु। वो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें से को आपको मैं लेके दिखाता हूँ एक।
इसके बाद में जो ये आपको, इसमें आपको वर्तिकाग्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच में है ना, ये वर्तिकाग्र है, और उसके बाद में ये जो है ये वर्तिका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये जो है ये प्राग कोष है, जो कि इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्राग कोष है। ये इस फूल को मैंने मुरझा दिया बिल्कुल ही। ये बैंगन का है फ्रेंड्स, ये बैंगन का वो है फ्लोवर है इसके ना, ये जंगली बैंगन है, इसलिए इसके देखो ये आपको कांटे भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका आ गया वर्तिकाग्र वाला पार्ट, आ गई आगे। उसके बाद में ये प्राग कोष है, ये बड़े वाले जो हैं, जिसमें से मैं आपको एक को लेके दिखाता हूँ।